स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। आज हम बताएंगे आपको इशरत जहां का सच। ये इशरत जहां तीन तल्लाक केस की अहम कड़ी है। ये वही इशरत जहां है जिसने तीन तल्लाक को खत्म करने सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। अब आइए इस इशरत जहां के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे इस्लाम की शरीयत को ही बदलने की साजिश की। हम आपको वो बताएंगे जो नेशनल मीडिया ने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। वो तो आपको सिर्फ एक तरफा ही बताने में लगा रहा। फालतू के डिबेट से इशरत जहां के सपोर्ट में मीडिया ने भी खूब साथ दिया, मगर हकीकत जानने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। आज हम आपको इशरत जहां का वो सच बताएंगे जिसे छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो सुनिए, इशरत जहां की शादी 2001 में मुर्तुजा अंसारी से हुई थी। इशरत जहां कलकत्ता की रहने वाली है और मुर्तुजा अंसारी बिहार जिले के औरंगाबाद के गांव चिता भगा में रहता है और रोजी कमाने के लिए मुलाजिमत दुबई में करता है। इशरत जहां के मुताबिक उसके शोहर ने उसे दुबई से फ़ोन करके तीन तलाक दिए हैं, मगर हकीकत तो यह है कि मुर्तुजा अंसारी ने तलाक नहीं दिया। ये सिर्फ मुर्तुजा अंसारी ही नहीं, उसका पूरा गांव तक कह रहा है। हम पहले आपको मुर्तुजा अंसारी से सैम सबरेस कासमी, जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने मुर्तुजा अंसारी से फ़ोन पर बात की, तो अंसारी ने क्या कहा वो सुनाते हैं, सुनिए। तो सब ये बताइए कि इशरत जहां आपकी वाइफ है? यस, जी हाँ। तो आपने उन्हें कब तलाक दी? हमने तलाक नहीं दिया सर, वो 2014 में मेरे गांव से सुबह 4 बजे भोर में खुद भाग गई है। मतलब आपने उसे कोई तलाक नहीं दी 2014 में सुबह 4 बजे सुबह को वो खुद भाग गई? हाँ, गांव के घर से। क्यों भाई? पहले तीन मरतबा कोलकाता से भाग चुकी थी। अच्छा, उससे पहले तीन मरतबा कोलकाता से भाग? तीन कलकत्ता से भाग गए। तो हमने लास्ट में उसको बोला कि भाई तुम बार बार भाग जाती हो, और हमने तीन बार उसको माफ करके रख लिया घर पे। ठीक है, परिवार के कहने के मुताबिक हमने परिवार में थे तो हमारे बड़े भैया ही रहे और भागी थे, और तो गाँव के कोई थे नहीं यहाँ पे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ किराए का मकान है ना। तो तीन बार यहाँ से भागे तो लास्ट मैंने बोला कि भैया अब हम गांव पे रहेंगे। तो गांव पे जैसे हमने आई ना, तो कुछ दिन रही करीब करीब, और फिर हम दुबई जाने के बाद सिर्फ एक महीने या कुछ दिन 15 दिन जो भी हो, एक महीने के आसपास था, अंदर वो भाग के गांव से 4 बजे भोर में। एक अफजल नाम के लड़के से, जो हम अभी उस लड़के को नहीं देखे हैं, बशर्ते उस लड़के का तस्वीर हमारे बच्ची जो बड़ी बेटी है ना साइस्ता खातून। यस हेलो, जी सुन रहा हूँ मैं, बोलते रहिए आप। हाँ, साइस्ता खातून, साइस्ता खातून बड़ी बेटी जो हमारी है, वो अम्मी के मोबाइल से किसी तरह से उसका फोटो निकाल ली और बड़े पापा के मोबाइल सिम में लगा के सब ट्रांसफर कर ली फोटो, समझे। और उसी तरह ये बच्चे लोग हमको फोटो दिखाए तो हम फोटो देखे ले, तो हम आज तक उस लड़के को हम लोग परिवार में कोई भी नहीं देखा सिवाय बच्चों के अलावा, समझे। उसके बाद वो गांव से मेरे दुबई जाने के बाद कुछ दिन के बाद वो भाग गए 4 बजे भोर में। जो लड़के को उसने 4 दिन या 5 दिन मेरे बंद कमरे में रखी थी, उसी में हागना मुतना सब कराती थी, आंगन में भी नहीं निकलने देती उस लड़के को। किस लड़के को? अगल बगल छत है ना, अफजल नाम से एक लड़का है कोई, उसको बोलती है बच्चों से कि ये तेरा मामा है। मतलब आपके घर में उस लड़के को रखा हुआ था उसने? हाँ, गांव के घर पे, कलकत्ता के घर पे नहीं, गांव के घर में। गांव के, तो गांव में आपके घर पे दोस्तों आपके अम्मी अब्बू नहीं थे? नहीं, मेरी अम्मी अब्बू बहुत दिनों के मरे हुए। अच्छा, इंतकाल हो गया। दो भाई एक बहन है। अच्छा, घर पे वो तन्हा रहती थी आपकी बीवी? घर पे आपकी बीवी तन्हा? हमारे बच्चे थे और आपके बच्चे थे। जी हाँ, बस बस। तो आपके घर पर अफजल का आना जाना हो रहा था? हम लोग का एक जैसे तो तीन बार मालूम पड़ा कि आया मेरे घर पे। वो एक बार मेरे घर में बहुत पहले, जब हम लोग कलकत्ता में रह रहे थे ना कुछ दिन अम्मी को मरने के बाद, नहीं नहीं वाइफ थी साथ, दोनों भाई की वाइफ नहीं थी, तो हम लोग बोले बड़े भैया साथ में रहेंगे तो रह जाएगा। तो फिर देखे इतना कलकत्ता से भी 2-3 बार भाग गए, तो बड़े भाई और हम लोग बोले ना कि इसको अब शिफ्ट कर दिया जाए ना चाहिए गाँव से। तो फिर वो गाँव से भी फरार हो गई 2014 में, उसको बैठता हूँ 2014 में भाग गई। तो वहाँ पे बच्चे को, लड़के को बुला करके ना अफजल,
नाम का लड़का जो है उसको चार या पांच दिन ये लोग बैठकर रूम होता है गांव में जी समझे ना, तो उस रूम में बंद करके ही रखी, उसी में हगना मुत्ता सब होता था, आंगन में भी नहीं निकाला दिया जाता था उस लड़के को। ये बच्चे बताते हैं, ये तो हम लोग तो डूबे थे, हम हमारे भाई और भाभी सब कलकत्ता में थे, खाली हमारे चारों बच्चे थे वही गाँव के, और गांव के आंगन में इसलिए नहीं निकलते थे कि गांव के घर के तीन तरफ से, एक तरफ मेरा पूरा खेत खेत मैदान है, जंगल टाइप से भी है, तो रात में भी 6 बजे के बाद कोई भी उधर आता जाता नहीं है मेरे घर के लाश वाला कोने पे, तो मेरा मकान है गांव के एकदम लाश कोने पे मकान है मेरा। तो शाम को किसी दिन आकर के घर में घुस गया लड़का, तीन चार चार या पांच दिन रुका है, और ये लोग फिर एक हफ्ते के अंदर ही 4 बजे भोर में लोग छोड़ के भाग गया। उस दरमियान में मेरी एक गांव की चचेरी बहन है बेवा थी, वो बहन बेवा है, उसने मेरे को बोलने गांव के बेटे लोग फोन किया सुबह में 6 बजे के, पापा मम्मी घर में नहीं है, दूसरे को अपने मोबाइल से मिस कॉल दिए, तब दूसरे के कहने पर उस लड़की तैयार हो गई, हमारे गांव की जो बहन लगती है चचेरी वो बेवा है, वो मेरी गाँव में आकर बस गई है, उसका गाँव अरवल जिला में था, तो उसका भी कोई सहारा नहीं था, तो उसके माँ बाप बोले की मेरे पास आ जाओ बेटी समझे जी जी, तो लोग अपनी बेटी को अपने, तो एक लड़की थी हमारी जो विवाह बहन हुई वही 1 साल तक ये लोग को देखभाल किया, हमने उसको खर्चा देते रहा जो बनता था घर खर्चा, जैसे फैमिली को देते थे वैसे उसको भी दिए, तो सब बना खा के मेरी घर में वो भी आके शिफ्ट हो गई, जला रही थी बगल बगल में घर है ना, और आंगन में इसलिए नहीं निकलती थी मेरे घर के आंगन के अगल बगल में सब छत है, छत पर से देखने का डर से नहीं निकालने देती थी घर के आंगन में, उसी के अंदर रहना खाना सब उसी के अंदर ही हो रहा था समझे ना सर। तो फिर हमने 2001 साल तक वो देखी, हमने 1 साल करीब नहीं 14 महीने के बाद आया था मैं, तो जब उस जहाँ को जब भागने के बाद 14 में भागी है शायद फरवरी मार्च में जो भी हो, तो हमने 15 में आया 12-13 महीने के बाद, 14 महीने के आसपास हो गया था, आने के बाद गांव वाले से मिला जुला सब बोले कि भाई तुम्हारा तो बच्चा भी छोटा आया पर पेशाब कर रहा था, उस दरमियान में भी फिर भी हमने लास्ट 2 महीने आकर के हम खुद अपने हाथों से सेवा किया बच्चों को, ताकि वो बहन फिर साइड हो गई कि भाई आप शादी नहीं कीजिएगा तो हम आपका बच्चों को अब नहीं देखभाल करेंगे, तो हित नाता समझते है ना, रिश्तेदार जी जी, रिश्तेदारों के कहने पे और गांव के हिंदू मुस्लिम कहे तो हम लोग शादी ब्याह कर लिए। उस दरमियान में जब मैं दूसरी शादी करने जा रहा था तो हमारे गाँव का थाना भी लेकर के आई थी इशरत जहाँ, समझे ना, 6 पुलिस वाले थे जिसमें सब थाना वाले ही समझाए कि इशरत बेटी या बहन को भी बोले आप रहिए बाजी यहाँ पे, हम आपको मैं रख रहा हूँ हसपुरा थाना, तो भी बोली नहीं नहीं रहेंगे हम अपना मर्जी से रहेंगे, तो उसको समझाने के बावजूद अब पूरा गांव, हम इसलिए आपको बोले कि मेरे गांव पे तहकीकात किया जाएगा ना, तो इशरत जहाँ का पूरा बायोडाटा सही या गलत निकल जाएगा कि मुर्तजा सही है कि इशरत सही है, तो पूरे गाँव को कहने के मुताबिक थाना भी बहुत समझाया, तो भी इशरत पुलिस वाले के साथ आई और पुलिस वाले के ही साथ चली गई, यानी रुकी नहीं, जो भी आधा घंटा करीब रुका होगा या 1 घंटा जो भी हो, पुलिस वालों ने कहा उसको रहने को, वो रही नहीं रही, अब गांव वाले भी यही सब बोले, अब गांव वाले सब इतना ज्यादा बोलने लगे ना, तो खुद पुलिस वाला समझ के ये इशरत का ही पूरा पूरा गलती है समझे। और उसी दिन जैसे आज पुलिस लेके आई, सामने करीब करीब 3 बज रहा होगा समझे ना, 3-4 के आसपास पुलिस लेके आई थी, और हमको दूसरे दिन शादी भी करने जाना था हरिहरगंज जिला में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरिहरगंज थाना, या फिर हरिहरगंज जिला भी बोलते हैं, वो बॉर्डर लगता है झारखंड और बिहार का हमारा बॉर्डर है समझे ना सर जी, सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो वहाँ पे भी वो इशरत जहाँ सुबह का दिन कितना 5 बजे पहुंची या 6 बजे के आसपास जितना भी हो वो वहाँ पहुँच गई जहाँ मैं शादी करने जा रहा था दूसरे दिन, तो वहाँ पे भी मदरसा को उसने सहारा ली कि मेरा हस्बैंड मेरे मौजूदगी में शादी करने जा रहा है ठीक है सर। तो हमको हमने करीब करीब जहाँ शादी कर रहा था वहाँ पे हमने करीब 9 से 10 बजे तक वहाँ पहुँचा जहाँ मुझे शादी करना था जिस लड़की से है, तो इत्तेफाक से मदरसा वाले लोग उस इशरत जहाँ को मदरसे में बैठा दिया, रूम होता ना मदरसे के अंदर बैठा के रखा, जब हम पहुंचे तो भाई वहाँ पे लड़की वाला बोला आप शादी करने आए हैं, आप तो कानून के खिलाफ शादी कर रहे हैं, आपकी पत्नी पहले से तो मौजूद है, तो हम बोले भाई मेरी पत्नी 2014 में फरार है, पर हम लोग को अभी कल आई थी सुबह में थाना लेकर के, वो रहना नहीं चाहती है
इस मजबूरी में हम गांव के कहने के मुताबिक शादी कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो जाने दीजिए शादी। तो वो शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि फिर वो मदरसा में जो कैद करके रखा था कहा कि मैं पार्टी में शामिल होकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। शामिल होने के बाद बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष दुर्गावती सिंह ने इशरत जहां के हाथों में पार्टी का झंडा थमाया। बताया जा रहा है कि लोकसभा में तीन तलाक के खिलाफ विधेयक के पास होने के बाद इशरत जहां ने भगवा पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा की अध्यक्ष मुकेश चटर्जी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। वर्ल्ड खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ गांव है, समाज है, पूरा हमारा थाना भी है, पता लगाइए। इशरत जहां खुद ही नहीं रहना चाहती, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे है, हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, कमाने खाने नहीं जाएंगे, तो क्या बच्चों का सेवा पालन करें? तो उस थाना वाले भी यही बोला कि इशरत तुमको बाकी तो तुम्हारा छोड़ नहीं रहा है, तुमको तो बार बार रखने के लिए बोल रहा है। और आज भी कह रहे हैं कि बोलेरो सिस्टम, बोलेरो गाड़ी था या क्या, हमको गाड़ी का नाम नहीं मालूम, चार चक्का छोटा गाड़ी नहीं होता जीप टाइप का, जी उस गाड़ी में उसको बोले कि इसको बोलिए हमारे साथ चलने के लिए और बोल बनवा लीजिए, हम मारपीट भी नहीं करेंगे। वो थाना तो आज भी पेपर साइज होगा, अगर उस थाना पे जाएंगे ना तो पता नहीं वो लोग रखा है कि नहीं रखा है, हमको वो लोग पेपर नहीं दिया था, बस अर्थे इशरत जहाँ पूरा अपना बयान लिखवाई थी। तो हम लोग बॉन्ड बनाने के लिए बोले, हम इस तरह जहाँ को कभी मारे पीटेंगे नहीं, उसको बोलिए रहने के लिए मेरे बच्चों के साथ, जैसे एक मियाँ बीवी रहता रहे देखभाल, उसका भी बच्चा चार है भाई, क्योंकि बड़ी लड़की 14 साल के भी है, 8 तारीख को ये बर्थडे था उसका, 14 चालू हो गया है, 8 जनवरी को किया ना इसमें उसका बर्थडे था, हम बोले 8 जनवरी का भी होगी 14 साल को, उसको उस टाइम 12-13 साल की होगी, 12 साल की है, अरे 12 साल के ज्यादा हो गए, करीब करीब 11 के आसपास होगी। तब बोला छोटा बच्चा सब, तुम्हारा भी बच्चा मेरा भी रहो साथ में, हम कलकत्ता में नहीं रहेंगे क्योंकि कलकत्ता से तू 3 बार भागी हो, तो नहीं हम रहेंगे तो अपना मर्जी से रहेंगे, मेरे ऊपर पाबंदी नहीं होना चाहिए। तो हम बोला कलकत्ता में तो तुम्हारा देखता हूँ, मैं तो देखा नहीं हूँ, बच्चे बोलते पापा मम्मी दिन दिन भर गायब रहती है घर में छोड़ के, न खाने का पीट न कुछ बच्चों का, वो तो बड़े पापा और आंटी है कि खाना खिला देते हैं, समझे ना सर। तो इस बिना हमने गाँव का सहारा लिया, तो गाँव तो कुछ दिन आएगी, मेरे दुबई जाने से मात्र 15-16 घंटा पहले आई थी, 14 जनवरी था उस टाइम, समझे ना, 2014 में, और वो एक आध महीने के अंदर ही वो फिर फरार हो गई छोड़ करके, हम दूसरा शादी कर लिया, क्या करेगा फिर, वो शादी सॉरी वो शादी हरियरगंज वाला कैंसिल हो गया फिर शादी, समझे ना सर। हरियरगंज वो लड़की वाला शादी नहीं किया, थाना वाला भी बोला कि आप शादी करिएगा इस लड़के से, इसका पत्नी तो पहले से मौजूद है, तो लड़की वाला बोला नहीं सर हम शादी नहीं करेंगे, इसका पत्नी तो आ जा रहा, पता नहीं मेरे लड़की को आगे चल के क्या होगा नहीं होगा, हम शादी नहीं करेंगे। तो इत्तेफाक से लड़की वाला भी इनकार कर गया, और हरियरगंज थाना ये भी बोला कि लड़की मुर्तजा के लायक नहीं है, अगर आप लोग सोच समझ के कीजिए कोई भी फैसला, तो लड़की वाला बोला नहीं शादी नहीं करेंगे। तो इस तरह जहाँ हरियरगंज थाना से डायरेक्ट कहाँ भागी नहीं भागी वो हम लोग को पता नहीं, यानी हम लोग के साथ नहीं, मेरे साथ आई घर पे, मेरे गाँव पे भी नहीं आई, हरियरगंज थाना से इतना तेज भागी ना, बस पकड़ ली फटाफट, इत्तेफाक से बस भी आ गया था थाना के गेट पे, फट जगह बस में बैठ कर भागी। तो एक आदमी हम लोग पीछा किए, तो अजनबी आदमी था गांव का, उसी गांव का समझे ना, हरियरगंज का ही, फिर वो कहाँ गया नहीं गया, हम लोग अपने घर गए, रास्ते में रात हो गया, हमारे घर पे आने में एक रिश्तेदार है उन्हीं के रुक गए थे। फिर हमने 2 दिन के बाद फिर मेरा एक रिश्ता गया रिश्तेदारी में ही, अभी जो मैं शादी दूसरी किया ना वो रिश्तेदारी में लगती है दूर का, उस लड़के से मैंने शादी किया, फिर आराम से रह रहे अपना घर पे। इत्तेफाक से अभी बीच में ये 2017 में हमारी सहिष्णा बेटी को और जैद को ये गांव के स्कूल में जा रही थी सुबह 10 बजे स्कूल, तो पता नहीं कैसे ही लोग लेके भाग गया कलकड़ा, ये नैहर भाग गई थी, पहले नानी के यहाँ गई, मेरे गांव के बच्चे को उठाई और नानी के घर भाग गई लेकर के, नानी के यहाँ से फिर वो लोग कलकत्ता गई एक रात, यानी नानी घर एक रात रुकी, फिर कलकत्ता गए, फिर कलकत्ता में एक रात रुकी, फिर गांव पे आ गई अपने अपने माँ के यहाँ ननिहाल में लड़की लोग को लेकर के, मेरे ससुराल पड़ा ना ससुराल, फिर वहाँ से गए तो 8 या 10 दिन तक कलकत्ता में रहेगी लोग। वहाँ पे इसकी माँ इस तरह जहाँ हमको हमारी बेटी को बोली कि तुम बाप को फोन करो खर्चा चाहिए, समझे ना, तो हम बोले बेटा तुमको माँ लेके गई है तुम कहाँ हो, तो है कलकत्ता शहर में, पर क्या बोली बोल बोल गाँव में रह रहे हो, हमको बोले खर्चा दो, हम बोले जो बच्चा को नहीं देखभाल किया उसको हम खर्चा क्यों दे, जब माँ लेके गई है हम तो अभी दुबई में बैठे हुए, हम खर्चा पानी नहीं देंगे। ये बात कब हुई? 1 महीने के अंदर ही आना था। ये बात कब हुई? 2017 की बात, 2017 की किस महीने में? 2017 की
बकरी से करीब एक महीने पहले की बात कर लो आप, ट्रिपल तलाक वाला केस भी फाइनल नहीं हुआ था, यानी 25-26 में ये केस निकला है ना। जो ट्रिपल तलाक वाला हम सुने हैं, जहाँ तक हमारा उम्मीद है, याद है मुझे पक्का, कि आप लोग ट्रिपल तलाक का जो झमेला पड़ा ना कोर्ट में, है बकरी से पहले ट्रिपल तलाक का मसला चल रहा है ना सर, करीब 20-25 दिन पहले, 20-25 दिन पहले दिए, 15 तारीख के बाद का हमरे से पहले बोली, हमारी बेटी उससे लेके गई थी, यानी बकरी से एक महीना पहले उठा ली थी मेरी बच्ची को, समझे, तो उसी दरमियान बोले कि पापा को पैसा मांगो, खर्चा मांगो, कि हम मम्मी के साथ है खर्चा, तो हमने पापा मम्मी जब लेके चली गई तो अपना खर्चा करेगी, हम तो आने वाले महीने में हम घर आने के लिए पैसा लेके आएंगे कि तुमको खर्चा भेज देंगे, वो भी माँ लेके गई है, दुगो के छोड़ के गई है, हम इस मसला में नहीं, तो वहाँ से इत्तफाक से मैं आपको पूरा कहानी सुना देता हूँ। मेरे से एक गलती ये हो गया कि मैंने कलकत्ता, ये जब कलकत्ता लेके आ गए ना, तो ये बच्चे लोग फिर चिल्ला चिल्ली किया खर्चा मांगने में, समझे, तो हम बोले तुम जहाँ पे भी हो बेटा खुद चिल्ला चिल्ली करो, माँ को बोलो कि मेरे बड़े पापा के पास पहुँचा दो, समझे, तीन लोग 10 दिन के बाद, यानी गांव से जब बच्चा उठाई ना जैद को सहिस्ता को, तो 10 दिन के बाद ये लोग बड़े पापा के पास, यानी हमारे पुराने घर कलकड़ा में, ये लोग पहुँचाया, लेकर के आई माँ, ठीक है, लेके आने के बाद रहने लगी, तब हम भी सुकून हो गए दुबई के अंदर, चलो बच्चा तो कम से कम बाप के बड़े पापा के आँख के सामने आ गया, तो हमने उसको खर्चा उर्चा नहीं भेजा, वहां से क्यों खर्चा भेजू, मेरा बच्चा दो को लेके आई है, तो तुम समझे ना भाई, अब आने के बाद मेरा जो दिमाग काम करे वो करूंगा। इस तफात से मैंने दुबई से जब चला तो पटना उतरा, पटना से उसी जिस दिन उतरा उसी दिन शाम में बहन के गांव पे सामान रखा हम अपनी सिस्टर के घर पे, जो भी सामान होता ना दुबई से लाने वाला आदमी सामान, सिस्टर के घर पे सामान रख करके वहीं से मैं बस पकड़ा, और बस पकड़ के आके कलकत्ता में आया तो हमको बुखार लग गया, तो हम एक दिन एक दोस्त के घर पे रुका, हम अपने घर पे नहीं आए, डायरेक्ट दोस्त के घर पर रुका, और फिर दूसरे दिन हमारी तबीयत ठीक हुई तो हम बच्चे से मिलने के गया, तो बच्चे तैयार हो गए, चलो वहाँ पापा खुश हो गए देख करके, हमें पापा के साथ घर चलेगा बेटा, हाँ हम तो फिर ठीक है, अभी बड़े पापा तो रात में आते हैं, हमारे बड़े भाई रात में आते हैं, करीब 11 के बाद ही अभी कभी घर में घुसते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर है ना, और फिर ऐसे स्कूल का टीचर भी है प्राइमरी से, तो हमने सोचा कि बड़े पापा आएंगे ना तो लेके चल चलेंगे बात कर घर पे, घर पे ही हम बोले बच्चे ठीक है हम रात में आएंगे, तो हम बच्चे लोग मेरे साथ चला नीचे, बोले चलिए पापा कुछ लेते हैं, तो पापा उसको लेकर के गए नीचे कुछ दिलाने के लिए, बकरीद का टाइम पता ना, हम लोग कुछ खाने पीने का या कपड़ा वगैरह दिलाएंगे, बच्चे को मार्केटिंग कराएंगे, तो घर के बगल में ही करीब 5-10 मिनट का दूरी पे है एक मार्केट, वही पे मार्केट करा रहे थे, तो इतने में इस तरह जहाँ उसको मालूम नहीं था कि हमारा पति आया हुआ मोहम्मद उर्दी अंसारी, समझे, उसने भैया भाभी पे अपहरण केस कर दी, समझे, कि हमारे बच्चों का ये लोग अपहरण करा दिया है, तो भैया बोले कि नहीं थाना से, कलकत्ता थाना से फोन किया गोलाबारी से, तो बोले कि ना भाई मेरा छोटा भाई आया हुआ है, तो हमें मालूम पड़ा है, हमसे मुलाकात अभी नहीं हुआ उनका, और सही बात है उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो फोन पे खाली बात हुआ था, मैं घर जा रहा हूँ ऐसी ऐसी बात है, मतलब जाइए, तो फिर गोलाबारी से थाना पे आके जहाँ भी हो तुम्हारा भाई उसको हाजिरी करो, तो हमने 6:30 से अंदर हमने यानी कि 1-2 घंटे के अंदर ही थाना पे हाजिर हो गया, उससे मीडिया वाला कम से काफी भीड़ लग गया था, तो सब देख रहे था, कपड़ा लगता था, मिठाई था, खिलौने वगैरह सब खरीद हुए थे, क्योंकि हमारे बड़े भाई रात में आएंगे तो अपने मकान पे जाऊंगा कलकत्ता के घर पे, तो क्योंकि वाइफ से कई बार झगड़ा हो चुका है कलकत्ता में, इसी वजह से हम डायरेक्ट कलकत्ता के घर पे नहीं घुसे, समझे ना सर जी, तो वो इंतजार कर रहे थे, तब तक तो वहाँ से हमारे बच्चे को पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे कायदा कानून मालूम नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो ज्यादा हूँ नहीं, ऐसे तो मैट्रिक किया हूँ, फेल हो गया हूँ मैट्रिक में, उसके बाद ये लोग CWC बोलता है बच्चा लोग का होम, हिंदी में होम बोलते हैं ना, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन, हाँ तो वहाँ चला गया मेरा बच्चा, वहाँ से करीब करीब हर हफ्ते मुझे डेट मिलते रहा, तब पांचवे हफ्ता में बड़ी बेटी मुझे हाथ आ गई, वो लोग दे दिया कि आप बच्चे सभी आपको बोलता है पापा के पास रहेंगे तो आप लेके जा सकते हैं, तो बोला ठीक है दे दीजिए बेटी को, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन से आपको बच्चियां दी गई, सारे बच्चे को, हाँ सारे नहीं मिले, एक ही बेटी अभी मिली है, अच्छा एक दो बच्चे तो मेरे गांव ही पे थे, अच्छा दो तो पहले से आपके पास, दो बच्ची तो हाँ चार थे ना टोटल, तो दो का कलकत्ता में लेके आ गई, तो चाल फिगर फिर से सहिता बेटी बड़ी जो है अभी वो 14 साल में एंट्री कर गई,
वो हमको मिल गई पांचवे हफ्ते में, समझे ना। तभी गैस का भी कस्टडी चल रहा माँ के नाम पे, बाकी राना खाना सभी मेरे बड़े पापा ही करते हैं, बड़े भाई ही करते हैं, समझे ना। गैस का जो बड़े पापा ने बता दिया भी कर रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नहीं, एक मिनट, आपने इशरत जहाँ को तलाक दी थी फोन पर दुबई से? नहीं, तलाक तो नहीं दिया सर। अपने तलाक दी नहीं? तलाक हरियरगंज थाना में भी बोला, हम तो तलाक दिया नहीं है। हम तो आज भी रहने के लिए बोलते रहो, पर बोलते हम अपना थाना रहेंगे। थाना के पास आपने कहा था? ओके ओके, थाना में आपने कहा था कि हमने तलाक नहीं दी है? वहाँ प्रूफ है कोई आपके पास थाना में? अपने गाँव के जी, थाना के पास इस बात का प्रूफ है आपका कि आपने तलाक नहीं दिया अपनी बीवी को? पूरे मीडिया वाले के सामने बोला हूँ, और काफी ये क्या नाम है आपने, नाजिया इलाही, उसके सामने भी वो बोला। अच्छा, नाजिया खान से आपकी बातचीत हुई है? नाजिया खान से मात्र 2 से 3 मिनट बात हुई है। तो उसमें आपने थाना के जो बड़े, किससे बात हुई, किसके थ्रू बात हुई बताइए? हम थाने के थ्रू को बात कर रहे हैं, थाने पे सभी लोग आ गए थे मीडिया वाले लोग। तो थाना के पास आपने कहा था सबके सामने हमने तलाक नहीं दी है? नहीं दिया। हाँ, और हरियरगंज हरियरगंज थाना में भी यही बोला। अच्छा, हमने गांव का भी हसपुरा थाना में दिया, हमने इसको तोला नहीं दिया। और जब वो फरार हो गए थे तब मैं एक पेपर भी थाने में जमा करवा दिया था। पेपर में क्या लिखा था आपने? हमारी वाइफ, हाँ, कि हमारी वाइफ एक साल से फरार है, मैं 1 साल के बाद दुबई से आया हूँ, मेरे बच्चों का देखभाल एक गाँव का की है। उस पेपर की कॉपी है आपके पास? जमा कर दिया था थाना। उस पेपर की कॉपी है आपके पास? गाँव तो। अच्छा, ओके ओके, नाजिया लाही खान से मेरे पास। ओके, नाजिया लाही खान से आपने कहा था कि मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी है? हाँ बोला है। आपने बोला? आपने बराबर थाना में ही बोला, सब मीडिया वाले के सामने, पूरा मीडिया वाले के सामने बोला है सर। जब नाजिया, सॉरी, इशरत जहाँ आपके घर से भागे कब थे, किस महीने में, 2014 के 14 फरवरी मार्च है ना? अच्छा, फरवरी मार्च में, चलिए बेटा मार्च। अच्छा। वही बेटी से पूछ रहे सर, बेटी, बड़ी बेटी, वही थी, देख करके करीब 1.5 महीना जो भी साथ रही है माँ के साथ। मार्च 2014 में भाग गई थी मान लिया। तो आपने दुबई से फोन करके इशरत जहाँ से बातचीत की कि आ जाओ घर पर, वापस चले जाओ? हमने उसको बोला तो बात करने से इनकार कर देती है। उसके बाप से बातचीत की आपने? उसके बाप से, उनके बाप से, उसके बाप से नंबर हाथ से नहीं, काफी लगता है कि 2009 के बाद लोग मेरा उसका घर का नंबर ही चेंज कर दिया, नहीं देता है नंबर भी, कोई नहीं देता है, और ना उसके माँ बाप कभी आते हैं मेरे दरवाजे। माँ तो एक बार आई है सर, मेरे बच्चे को, आप मुस्लिम है ना, मिलाद समझते ना, मिलाद जी जी, कुरान खानी समझते, मिलाद कुरान खानी के दरमियान में, मिलाद और कुरान खानी था मेरे घर में, तो उसकी मम्मी एक बार मात्र आई है, यानी अपनी बेटी के शादी में भी नहीं आई थी मेरे घर। लड़की देखने आते हैं ना, भाई लड़का कैसा है, नहीं है, लड़का को देखने के लिए लड़की का माँ भी तो आती है। शादी कब हुई थी आपकी? 2001 में शादी हुई है। तो आप दोनों के दरमियान ये रिश्ते बिगड़े कब, 2000 में शादी हुई तो किस साल में, पहले मरतबा कब भागी इशरत जहाँ? तारीख वगैरह नहीं मालूम सर, हम चाहते थे, हमको 2009 से यस नो चल रहा था। अच्छा, 2009 से यस नो चल रहा है। कल भागे आपकी बेटी शाइस्ता है आपके पास? 3 बार हम लोग उसको रख लिए। आपकी बेटी शाइस्ता, सुनिए ना, 2009 से बोलिए, वन मिनट सुनिए, वहीं पे 3 बार कलकत्ता से भागना उगना हुआ ना, तो समझा बुझा के जैसे भैया भागी, हम लोग गांव से खबर नहीं दे सकते, क्योंकि ये बेटियों का इज्जत का सवाल है ना, शादी ब्याह का, तो हम लोग गाँव का रुख नहीं कर रहे थे, कि बार बार उसको समझा के रुक जाओ सही रहेगी, रहेगी देखभाल। फिर लास्ट में हम थक हार करके, भैया ये तो बार बार इसका ही आदत है, हम अब आपका भी बात नहीं मानेंगे कि हम अब गांव जाएंगे, तो गांव तो गए, इस तरह पीछे से नहीं आई, हम अकेला गए गांव, समझे। उस दिन ना बहुत और कुछ बातें हुई, झगड़ा लड़ाई, समझे। तो वहां से फिर कलकत्ता से इस तरह से हमको दुबई जाने से मात्र 16-17 घंटा करीब आई होगी, 10 घंटा नहीं, 16-17 घंटा क्या करीब आई, और फिर हमने चला गया सुबह में, समझे ना। और ये 1.5 महीना रही बच्चों के साथ, छोड़ के चली गई। ओके, अच्छा ये बताइए, कोलकाता में जो आपका मकान है, इशरत जिस मकान में रह रही है, वो आपका मकान है? जी हाँ, दोनों भाई के नाम पे मकान। तो उस पे आपने उसके नाम लिखा हुआ है, या वो कब्जा करके रह रही है वहाँ, या आपने दिया हुआ है?
कब्जा कर आ रही है, कब्जा कर आ रही है। और मैं कलकत्ता भी जाता हूँ तो झगड़ा लड़ाई के डर से मैं अपने घर पे एंट्री नहीं करता हूँ, बार बार रहता हूँ दोस्त लोग के यहाँ। आपने अंसारी की बात तो सुनी, अब इशरत जहां की बेटी शाइस्ता जो 14 साल की है वो खुद कह रही है कि उसकी माँ के अफजल नाम के लड़के के साथ नाजायज रिश्ते थे। जरा ये भी सुनिए। आपके क्या नाम है? शाइस्ता खातून। एज कितनी है आपकी? 14। इशरत जहां आपकी अम्मी है जी। आपको अपनी अम्मी और अब्बू के बारे में क्या मालूम है? कब से झगड़ा चला, कब क्या हुआ, जरा बताइए मुझे इस बारे में। ये मम्मी पापा का झगड़ा तो 2013 ही से हो रहा है। 2013 से? आपकी अम्मी आपको घर पे छोड़ के भाग गए थे? जी, गांव में हम लोग थे तो मम्मी हम लोग को मतलब सुबह 4 बजे छोड़ के चल गई थी, पूरी थी कि 4 दिन के बाद आ रही, फिर उसके बाद नहीं आई, वो थी आने के लिए फिर नहीं आई थी। कभी नहीं आई? नहीं। आपके घर में कोई और आके रहता था कभी? आपकी अम्मी से मिलता था या आपकी अम्मी उसके साथ जाती थी? जी। क्या बोलिए तफसील से जरा। तो उस लड़के का नाम अभी आ रहा था मिलने, अफजल नाम का लड़का मिलने आता था जी। मम्मी आ रहा था मिलने। मम्मी, आपकी मम्मी उनके साथ घर से बाहर गई कभी? जी। तो अम्मी आपको क्या बोलते थे उसके बारे में कि कौन है वो? आप लोगों ने कभी एतराज नहीं हुआ कि आपकी अम्मी उनके साथ रहती है, आती जाती है? तो नहीं, मतलब नहीं, उन लोग को हम लोग बोले मम्मी कहाँ इतना रोज जाते उनके साथ, बोले तुम लोग को इससे क्या मतलब, कुछ बोलो बोलो कि नहीं किसी को, तुम लोग को मारे जैसे, मतलब हम लोग को डरा के रखती थी। अच्छा, आप कुछ बोलते थे तो हमने आपको डरा के रखती थी जी। अच्छा, पूरे मामले में आपके घर में इतना हुआ तो आप किनको कसूरवार मानती, अपनी अम्मी को या अपने अब्बू को? अपनी अम्मी को। अपनी अम्मी को। आपके अब्बू ने तलाक नहीं दी है आपकी अम्मी को या दी है? नहीं दी है। तलाक नहीं दी है। आप अम्मी के साथ रहना चाहते हैं या अपने अब्बू के साथ? अपने पापा के साथ। अम्मी के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? मम्मी सहेली के साथ रहती है तो हम नहीं रहना चाहते इसीलिए। एक बार मम्मी जब हम लोग को यहाँ से मतलब कल गाँव से ले जब लेके आई थी कलकत्ता, तो लोग बोले थे कि नहीं हम लोग को पापा के पास पहुंचा दे, तो क्या बोले बोले कि नहीं है तुम लोग को अब नहीं पहुंचाएंगे, तुम लोग पहुंचाएंगे तो मतलब गया था कुछ छोड़, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, मतलब वो लड़का बोले बोली नहीं कि जो हमको मतलब जो अफजल है ना तो उन्हीं के बारे में बोलती थी, ये जो बोलेगा हमको करने के लिए हम वही करेंगे, नहीं तो फिर मारेंगे, ज्यादा ही बोली। तो क्या बोली अम्मी आपकी के अफजल जो बोलेगा वही हम करेंगे नहीं तो मारेंगे? हाँ। कहाँ? कोलकाता? हाँ। में जी, कोलकाता में दूसरी जगह, मम्मी घर पे नहीं थी, दूसरी जगह रखी हुई थी हम लोग को। अच्छा, घर के बजाय दूसरी जगह आप लोगों को रखा हुआ था, तो वहाँ अफजल भी था जी? आपकी मम्मी के साथ रहता था अफजल जी? तो अफजल का आपकी अम्मी से कब से आना जाना था आपकी अम्मी के घर पे, आपकी अम्मी से कब से ताल्लुक था? 2013 में या 2009 में? मतलब बहुत पहले ही से है। बहुत पहले से है जी। चलिए बेटे, थैंक यू, आपने बातचीत की और आपने सच सच बताया। फिर शम्स तबरेज कासमी ने और हकीकत को जानने अंसारी के गांव के सरपंच दीनानाथ पांडे से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप इशरत जहां और मुर्तजा अंसारी को जानते हैं? हाँ, मुर्तजा अंसारी को मैं जानता हूँ। मुर्तजा इशरत जहाँ का कहना है कि हमारे शौहर मुर्तजा अंसारी ने हमको तलाक दे दिया था फोन पर दुबई से, हमारे 4 बच्चों को उसने हमसे छीन लिया, घर से भगा दिया। मुर्तजा अंसारी इन सबका इनकार कर रहे हैं, आपको क्या मालूम है इस बारे में? मुर्तजा मुझको नॉलेज में है, अपना जानकारी में है कि मुर्तजा अंसारी बहुत ही अच्छा लड़का है,
मैं भली भांति जानता हूँ इस गांव का। हाँ, इस बात का मैं सरपंच होने के नाते इसको जानता हूँ। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इशरत जहाँ जो है जी, वो मुर्तजा को घर से छोड़ करके चली गई थी अपने बच्चों को छोड़ करके, तो कहीं चली गई और दो करीबन दो साल बाद आई कि इस वर्ष में चार महीना इसके बिफोर साल है, अभी जो बात हो रही है इसके पहले, तो जून था या जुलाई था, जून होगा, तो उसमें बोली कि बच्चों को हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको रहना है रहिए, लेकिन बच्चा को नहीं मिला, गांव के बहुत लोग जमा हो गए और कुछ कुछ, हाँ प्रशासन के साथ में भी आई, प्रशासन भी आया था साथ में, गांव के लोग बोला कि जमा हो गया, बहुत सा आदमी जमा हो गए। जमा होने के बाद फिर इन्होंने स्वीकार किया, मुर्तजा अंसारी ने स्वीकार किया कि हम बच्चों को नहीं देंगे, आपको रख सकते हैं, आपको रखना है तो रहिए। लेकिन हाँ, लेकिन फिर इशरत जहाँ बोली कि ना, हम बच्चों को लेने के लिए आई हूँ, और फिर चली गई, बच्चा को देने से इनकार किया कि बच्चा को मैं नहीं दूंगा। और यहाँ के लोग भी बोले कि बच्चा से पूछा गया कि किधर जाएगा, माँ के तरफ जाएगा कि पिता के तरफ जाएगा, बच्चा लोग बोला कि नहीं, हम यहीं रहेंगे। अब जरा इसी गांव के जिला परिषद राम असरे ने क्या कहा ये भी सुनिए। जहां और मुर्तजा अंसारी दोनों की 2001 में शादी हुई थी। दूसरा जहां का दावा है कि हमारे शौहर ने 3 तलाक देकर हमें घर से निकाल दिया, हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया। मुर्तजा अंसारी का दावा है कि हमने उसको कभी तलाक नहीं की है और हमने कभी उसको अपने घर से नहीं लगाया, उससे किसी के साथ अभी अच्छा व्यवहार है, हम आज ही उसको रखने के लिए तैयार है। आप हाँ, 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 हम जानते हैं कि मुर्तजा घर से निकाला नहीं, स्वयं अपना घर से चली गई थी बच्चे वगैरह को छोड़ करके, समझे कि नहीं जी। बच्चा वगैरह अपने तो मुर्तजा रहता था बाहर टोकिया वगैरह में, तो नसीमा नाम की दो बच्ची थी, यही रहती थी, उसका कोई बच्चे देख रेख थी सबको, तो 4-6 महीना के बाद हुआ ही बच्चा को लेने के लिए, तो पुलिस लेकर के, तो पुलिस लेकर के आई तो गांव का सारे लोग एकत्रित हुए, पुलिस के सामने बच्चों से पूछा गया तुम किसके साथ रहना चाहती हो, बच्चों ने कहा कि नहीं, हम वो अपनी माँ जो इस तरह जहाँ है कि उसके साथ नहीं रहना चाहती, हम नहीं रहना चाहती चाहते हैं, सारे लोग बोले। आपने इन सभी की बात सुनी, अब आप ही सोचिए जो इशरत जहां 3 बार घर से भागी थी और 3री बार अपने 4 बच्चों को 2 साल छोड़कर चली जाती है और फिर 2 साल बाद इसे अपने बच्चे याद आते हैं और उन्हें लेने पुलिस को साथ लेकर आती है, उस वक्त गांव के सरपंच, गांव के लोग, पुलिस और यहां तक के मीडिया के लोग भी हरिगंज पुलिस थाने में मौजूद थे। मुर्तजा अंसारी उस वक्त इन सब के सामने कहता है, मैंने तलाक नहीं दिया हूं, अगर वो वापस आना चाहती है तो मैं उसे आज भी लेने के लिए तैयार हूं। मगर मीडिया को अंसारी की आवाज़ ना उस वक्त सुनाई दी और ना अब सुनाई दे रही है, और अगर सुनाई दे रही है तो सिर्फ इशरत जहां की। ऐसा क्यों है ये वही मीडिया जाने। अंसारी की आवाज़ ना ही सुनाई देती है और ना ही उसके गांव पहुंचकर हकीकत को जानने की कोशिश की गई। अब ये 3 तलाक का फैसला तो हो गया है जो अब राज्यसभा में अटका हुआ है। इसमें इशरत जहां के वकील नाजिया खान ने तो बीजेपी में इस तलाक केस के दौरान ही ज्वाइन किया। अब इशरत जहां को भी बीजेपी पार्टी ने पार्टी में शामिल कर लिया है। ये सब देखते हुए लगता है कि ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत 3 तलाक का मुद्दा उठाया गया था ताकि मुसलमानों के जज्बात से खेलें और इसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रहे, जबकि इसकी हकीकत ही अलग थी जिसे नेशनल मीडिया ने इस
मुद्दे पर डिबेट करते रहे, सच दुनिया के सामने नहीं लाया। हमारे संविधान पर फक्र करते हैं, मगर क्या हमारे अदालतें, क्या हमारी सियासत के रहबर, क्या हमारा प्रशासन, क्या हमारी मीडिया हमारे संविधान के मुताबिक चल रहा है? ज़रा सोचिए, हम किस जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और कौन हैं वो लोग जो हम भारतीयों को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं? अगर आपके पास जवाब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना।